हम किसी और से प्यार करते थे तो आपसे कर नहीं पाएंगे। इस देश के सब मर्द ढोंगी क्यों हैं? अगर धोखा दे सकते हैं तो खाने की भी हिम्मत रखिए। वेलकम टू बुक माई शो। तो सबसे पहले जयदीप सर से शुरू करते हैं। सर, बहुत जबरदस्त ट्रेलर है और जो डायलॉग से एक धमाकेदार डायलॉग से ओपनिंग होती है कि मैं तुमको प्यार नहीं कर पाऊंगा, तो आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। कितनी ज्यादती है, इतनी खूबसूरत को एक्टर दी शशांक ने और उसको पहली लाइन बोलवा दी कि मैं आपसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। कितनी ज्यादती है। बट यस, बबलू जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत बहुत वल्नरेबल है चीजों को लेके, पर दिखता नहीं है। बहुत इसकी एक सॉफ्ट साइड है पर वो भी आपको दिखेगी नहीं। तो द ब्यूटी इज के जो वो दिख रहा है, जो वो सोचता हुआ दिख रहा है आपको, जो करता हुआ दिख रहा है वो है नहीं। जब शशांक ने बताया था कि इस तरह का किरदार है तो शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे कि शायद नहीं, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि वो किस तरह से दिखाई देगा, किस तरह से ऑडियंस तक पहुंचेगा। पर उससे मिलने के बाद, क्योंकि उससे पहले सिर्फ पेपर पे कहानी पड़ी थी, लेकिन वही कहानी जब शशांक के मुंह से सुनी तो लगा कि हाँ ये पॉसिबल है, ये बड़ा अच्छे से हो पाएगा। आई जस्ट हैव टू पुट माई फेथ इन टू हिज फेथ और वो अगर वो मैच होता है तो इट्स गोना बी अ फन। अब फातिमा, आपसे बात करते हैं जो डायलॉग है, मैं तो बार बार रिवाइंड करके ट्रेलर में हमेशा तो बस पार्ट देखता हूँ, पूरे शहर की भाभी नहीं है हम और देश के सारे मर्द ढोंगी क्यों हैं? ढोंगी क्यों? हर कोई यही बात कर रहा है। हालांकि आपने स्क्रिप्ट को देखा होगा, शशांक सर लेकर आएंगे बहुत सारे लेकर, लेकिन आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए, किस तरह का कैरेक्टर है? जब भी मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी मैंने उसी समय हाँ बोल दिया। आई थिंक एज एन एक्टर वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कहानी से रिलेट कर सको और अपने कैरेक्टर से भी आप एक्साइटेड रहो। तो जैसे ही मैंने सुना, मैं लिपाक्षी का कैरेक्टर, उसकी जो जर्नी है उससे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। काफी अलग कैरेक्टर है, मैंने कभी ऐसा कुछ प्ले नहीं किया है, ना मैंने अपनी असल जिंदगी में लिपाक्षी जैसी लड़की को देखा है, तो मेरे लिए वो ज्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि मुझे एक मौका मिल रहा था एक दुनिया का हिस्सा बनने का। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। एंड शशांक ने बहुत ही लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर लिखा है, काफी ग्रे है, सारे कैरेक्टर्स काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। और आई थिंक अगर आपने फिल्म देखी तो वही ब्यूटी है इस कहानी की कि सब कैरेक्टर्स एक साथ आए और हम मतलब उनकी जर्नी दिखा रहे हैं, ना कि के मुद्दा उठा रहे, हम उनकी कहानी बता रहे हैं। सो वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मूविंग और एक्साइटिंग था। शशांक सर, और डायरेक्टर एक कैप्टन ऑफ शिप होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो कास्टिंग थी तो कास्टिंग को लेके किस तरह से, कितना बड़ा चैलेंजिंग था, जब किस तरह से आपको लिपाक्षी को और बबलू को ढूंढना था, कितना वक्त लगा कास्टिंग के लिए आपको? जी, ज्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि हम लोग भी थोड़े श्योर थे। मुकेश छावड़ा मेरे लिए कास्टिंग कर रहे थे तो जब हम डिस्कस भी कर रहे थे हम लोग बड़े क्लियर थे कि हमारे को किस तरह के डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, जो वो हैं वो दिखते नहीं है और जो वो दिखते हैं वो है नहीं। तो क्योंकि दोनों में सबटेक्स्ट इतना था कैरेक्टर्स में, हमें पता था कि हमें उन लोगों के पास जाना है जिन्होंने शायद कभी ऐसा रोल किया नहीं। तो जहाँ यू नो, जो बबलू भैया का किरदार है, मैंने इसके लिए जयदीप जी के बारे में सोचा बिकॉज आई न्यू कि उन्होंने शायद कभी ऐसा किरदार प्ले नहीं किया होगा, तो लेट्स ट्राई एंड क्रिएट समथिंग न्यू सो दैट ही ऑल्सो फील्स चैलेंज्ड एंड सो डज द ऑडियंस, दे आर ऑल्सो एक्साइटेड टू वॉच हिम। सिमिलरली जब मैं फातिमा के बारे में सोच रहा था, जितना भी मैंने उनका काम देखा था, वो हर फिल्म में अच्छी एक्ट्रेस है ये पता था, पर ऐसा कैरेक्टर उन्होंने कभी प्ले नहीं किया था। एंड देन इट केम टू द थर्ड एक्टर विच वॉज राज का जो किरदार है, जो अरमान है, अरमान इज वेरी वेरी न्यू, उन्होंने एक ही फिल्म की है विच वॉज बेफिक्रे, सो आई वॉज काइंड ऑफ लुकिंग फॉर दैट इनोसेंस, आई वॉज लुकिंग फॉर द फैक्ट दैट उनको ज्यादा स्क्रीन पे देखा नहीं गया है। एंड आई थिंक अल्टीमेटली व्हेन द थ्री ऑफ देम केम टुगेदर इट ऑल वर्कड आउट वेरी वेल। फातिमा, हमेशा बहुत ओपनली बताती हैं आपके डायरेक्टर्स के साथ अनुभव, शशांक सर के साथ किस तरह का अनुभव, किस तरह से ट्रीट करते थे आपको, अगर कोई सीन समझ नहीं आ रहा या आपको ठीक नहीं लग रहा है तो कोई कट हो रहा है तो किस तरह से प्रोसेस जाता है और क्या लर्निंग होती है उनके साथ, आपकी क्या लर्निंग थी? आपने तो सारा खुद ही बोल दिया, मतलब इतना कितने संभालते हैं उसमें। नहीं, मेरा फातिमा सोच समझ के जवाब देना, मैं सामने बैठा हूँ। ओके, अगली फिल्म दे रहे हो कि नहीं उसके ऊपर निर्भर है, तुम्हारे जवाब पे निर्भर है। फॉर्चुनेटली मैंने जिन लोगों के साथ अब तक काम किया है, जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने अभी तक मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। सो विद शशांक, बिकॉज वो एक राइटर है, डायरेक्टर है और एक्टर भी है, म्यूजिशियन भी है, वो मतलब इतने सारे जूते पहनते हैं, तो उनका एक बहुत ही यूनिक तरीका है आपको सीन में लेके जाने का। वो
यू नो वो आपको ये नहीं बोलते कि ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है. एक तो फर्स्टली उनके कैरेक्टर्स इतने डीपली और करेक्टली रिटन होते हैं कि जब आप पढ़ते हो आपको पता है व्हाट यू गेटिंग इनटू. आपको क्लियरली शब्दों में पता है कि लिपाक्षी की जर्नी क्या है. बट अगर कभी कभी होता है कि जब आप सेट पे होते हो कभी आप सुर नहीं पकड़ पाते हो. सो ही हैज अ वेरी नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सीन्स जहाँ पे वो आपको एक इमोशन तक लेके जाएंगे, फिर वो आपको वो इमोशन समझाएंगे, फिर वो यू नो आप एक बार वो सुर समझ गए, वो इमोशन समझ गए, फिर बाकी सीन अपने आप हो जाता है. आपको ये नहीं सोचना पड़ता यहाँ पे मुझे हंसना है, यहाँ पे रोना है, यहाँ पे गुस्सा दिखाना है, क्योंकि आप वो इमोशन के बारे में सोच रहे हो. सो बहुत मजा आया. बस अभी मैं वही वेट कर रही हूँ कब बोले कि अगली फिल्म ऑफर हो रही है. तो अभी जवाब तो आई थिंक अच्छा ही था यार, तारीफ ही की. बहुत अच्छा जवाब था, बहुत अच्छा जवाब. फोन किया है मैंने आपके मैनेजर को. स्ट्रिक्ट होते हैं बाकी में सेट पे. आप अगर अगर कोई एक्टर है बार बार कट हो रहे, क्या आपको गुस्सा आता है बाकी डायरेक्टर्स की तरह? बिल्कुल नहीं, मुझे पता नहीं तो किस डायरेक्टर को गुस्सा आता है, मैंने कभी कहानियां सुनी नहीं है. आई थिंक जब आप एक फिल्म सेट पे जाते हो आपको हमेशा पता होता है कि कुछ सीन ऐसे होंगे जो एकदम आसानी से हो जाएंगे और कभी ना कभी कोई ना कोई सीन पे कोई ना कोई एक्टर अटकेगा. इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. उसमें मैं इतना इन जनरली आई एम नॉट समवन हु इज वेरी एंग्री इन लाइफ और ऑन सेट. हालांकि इस सेट पे एक आध दिन ऐसा हो गया था जब मैं थोड़ा भड़का होऊंगा, पर अदरवाइज आई एम नॉट एन एंग्री पर्सन इन जनरल इन लाइफ. आई एम फार वेरी कंपोज. और वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑन सेट जहां पर लोग अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाए. तो आई डोंट थिंक सो यू एवर गेट एंग्री अगर कोई आदमी वक्त ले रहा है. कुछ सीन्स होते हैं जो एक्टर्स इमीडिएटली क्रैक कर लेते हैं, कुछ सीन में हमेशा इट टेक्स टाइम टू गेट देयर, व्हिच इज फाइन, व्हिच इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सर कोविड की सिचुएशन में कितना चैलेंजिंग रहा, मतलब पूरा शूट करवा पाना कितना मुश्किल होता था? लकीली ये शॉर्ट फिल्म हमने कोविड के पहले शूट कर ली. ये हमने एक्चुअली 2019 में हमारी शूटिंग खत्म हो गई थी अक्टूबर महीने में, तो हमारे लिए वो चैलेंज नहीं था. द पोस्ट प्रोडक्शन जो था हमारा वो पूरे कोविड टाइम में चल रहा था, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज आधी चीजें फोन पे होना पे करनी पड़ रही थी, कुछ चीजें जूम पे करनी पड़ रही थी. हाँ, तो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस. और फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा खुला तो फिर हम स्टूडियोज में जा पा रहे थे. बट फॉर्चुनेटली फॉर अस हमारा जो पूरा शूटिंग था वो पहले ही खत्म हो चुका था. जयदीप सर आप रोहतक से आते हैं, आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है, आप सक्सेस को किस तरह से लेते हैं, जो सक्सेस आपको मिला है किस तरह से आप देखते हैं? इट्स गुड यार, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं करते हो, वो बाय प्रोडक्ट है. तो आप मैं काम पे फोकस करता हूँ, वो अच्छा काम करता रहूँ, और बाकी जो है वो ये आपके कंट्रोल में नहीं है. तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं. वो आता है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते आप. सो थैंकफुली गॉड्स ग्रेस, आप सब लोगों का प्यार वो है. काम पसंद आया लोगों को तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आगे बना रहे. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि काम अच्छा हो और लोगों को काम पसंद आए, बाकी जो होगा वो मेरे हाथ में. फातिमा आपसे लास्ट सवाल है कि आप काफी डिसअपॉइंट हो गए थे ठग ऑफ हिंदुस्तान के बाद, लेकिन आपके पास बैक टू बैक अच्छी फिल्में आ रही है. आपने कहा का परसेप्शन चेंज होता है, फैंस का परसेप्शन चेंज होता है, जैसे फिल्में गड़बड़ाती हैं जहां आपने दंगल की और बड़ी, तो अब किस तरह ले रही हैं आप इसको, किस तरह लूडो अब आपके पास एक से अच्छी अच्छी फिल्में आप कर रहे हो? नहीं मैंने कभी नहीं कहा था कि फातिमा ने सिर्फ तुझे बताया नहीं, तू डिसअपॉइंट हो गई थी टैक्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद. हां ये क्या है, चला ये बात तो सैड है, कैसी बातें कर रहे हो, सो सैड फातिमा. एक तो मैंने कभी नहीं बोला कि फैंस का परसेप्शन चेंज होता है. मैं ये बोल रही थी कि एज एन एक्टर व्हेन यू पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट और एज अ टेक्नीशियन और एनीबॉडी, आप एक फिल्म बनाते हो, आप बहुत प्यार से बनाते हो, बहुत लोग होते हैं इन्वॉल्व, 500 लोग, स्पेशली व्हेन इट्स सच अ ह्यूज फिल्म, बहुत लोग होते हैं. सब लोग एक यू नो एक आस के साथ जाते हैं, यार हमने फिल्म बनाई वो लोगों को पसंद आएगी. जब वो नहीं आती है तो दुख होता है, तो वो एक ह्यूमन इमोशन था जो मैंने महसूस किया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये एक जर्नी है, आप हमेशा ऊपर ही नहीं जाओगे. अगर आपको सिर्फ सक्सेस मिलता जाएगा तो फिर आपको उसका मजा लेना भी नहीं आएगा. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू गो थ्रू एवरी इमोशन एंड दैट्स हाउ इट इज. आपको पता नहीं है कि क्या होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू डू गुड वर्क एंड आई वॉन्ट पीपल टू एंजॉय वर्किंग विथ मी. आई वॉन्ट शांत टू से हाँ मुझे बहुत मजा आया फैटी के साथ काम करके, इससे बेटर है ही नहीं कोई और एक्ट्रेस, है ना शशांक? मुझे बहुत जेन्युइनली बहुत मजा आया तेरे साथ काम करके. Thank you so much, sir. Thank you, everyone.